बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको भाई आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है उससे अपडेट कर देता हूँ, यानी कि एक रियाल के पाकिस्तान में कितने पैसे बन रहे हैं या एक डॉलर के कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रखा हूँ। कल ही मुझे एक भाई ने कमेंट किया था, 4600 रुपए से ऊपर बता रहा था मुझे, गार्बन भाई मुझे याद नहीं है कितने पैसे बता रहा था कि भाई 4600 रुपए से अब था जो भी इंजाज बैंक का रेट था। तो बहरहाल अभी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर डॉलर के रेट के मतलब बात करें तो 175 रुपए 29 पैसे था जी कल का रेट, आज हो चुका जी 174 रुपए 99 पैसे। तो 41 पैसे बोल रही है, 40 पैसे बोल रहे हैं भाई, ये डॉलर मजीद नीचे आ चुका है। और अगर भाई डॉलर नीचे आता है ना तो रियाल भी फिर नीचे आता है, ये अपने जहन में रखिएगा। तो अभी रियाल का रेट हो चुका है जी 46 रुपए 53 पैसे। तो भाई कल था 46 रुपए 70 पैसे, आज हो चुका है 46 रुपए 53 पैसे। अभी कुछ भाई इंजाज या राजी का बोलते हैं ये रेट वो इससे कम, भाई वो इंजाज और राजी का रेट इससे थोड़ा कम ही होता है, लेकिन आप किस वक्त पैसे भेज रखे हैं, मेरी वीडियो किस टाइम की है, इस हिसाब से भाई थोड़ा 20-30 या 50 पैसे का डिफरेंट हो सकता है। अगर आपका बोले ना कि 2-3 रुपए का डिफरेंट, ऐसा नहीं होता है। और ये जो डॉलर और रियाल का रेट नीचे आ रहा है ना जी, ये जो पाकिस्तान के वजीर खजाना है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है कल ही कि IMF के साथ भाई हमारे मुआहदा तय हो चुका है, जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, उस बयान को लेते हुए यानी उस बयान के सबब ये डॉलर और रियाल नीचे आ रखे हैं। हालांकि अभी IMF की तरफ से कोई किसी किस्म का पाकिस्तान को कर्जा वगैरह यानी कि जो 6 बिलियन के ऊपर साइन हो चुके हैं, 1 बिलियन उन लोगों ने पहले देना है, वो अभी तक नहीं दिए गए हैं।